नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए अति विशेष है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष आज मैं लेकर आया हूं। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मेष राशि वाले व्यक्तियों का वर्ष 2022 में आर्थिक राशिफल, यानी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपको धन एवं लाभ कैसा होगा वर्ष 2022 में, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आपकी, और इसके साथ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या अचूक उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपके खर्चे कम हो और आपकी सेविंग्स ज्यादा। तो आज हम जानेंगे कि ग्रहों का गोचर वर्ष 2022 में क्या बदलाव लेकर आने वाला है आपके फाइनेंशियल पोजीशन पर। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा एक है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर, सिर्फ हमें आर्थिक स्थिति के बारे में जानना है कि हम कितने पैसे कमाएंगे, कैसा रहेगा वर्ष 2022 हमारे लिए, क्योंकि कहा गया है सर्वप्रथम निरोगी काया, उसके बाद घर में माया। चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, वर्ष 2022 में तीन बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, वो भी अप्रैल में। राहु देव 12 अप्रैल को वृषभ राशि से आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, मेष राशि में। शनि देव मकर राशि से कुंभ राशि में आएंगे 29 अप्रैल को, और इसके साथ देवगुरु बृहस्पति भी कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल को। दोस्तों, जब हम फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानते हैं, आप वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब हम धन लाभ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं 11th हाउस कुंडली का, और इसके साथ में 2nd हाउस, और कारक तत्व धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो वो कहां जाकर बैठे हैं, तो यही हम देखेंगे वर्ष 2022 में। सबसे पहले आपके 2nd हाउस के धन के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, जो कि 9th हाउस में है शुरुआती समय में, और लाभ स्थान के मालिक बनते हैं शनिदेव, जो कि 10th हाउस में है, और देव गुरु रहेंगे शुरुआती समय में 11th हाउस में। एक बात विशेष कहना चाहता हूं मैं आपको, शुरुआती समय में जब शुक्रदेव रहेंगे भाग्य स्थान में, फिर आएंगे 10th में, फिर आएंगे 11th हाउस में, यानी कि अप्रैल से पहले पहले आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी देखी जाएगी। अगर कुछ प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, अगर कुछ मेष राशि वाले व्यक्ति प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि प्रमोशन होने की संभावनाएं मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अप्रैल तक प्रमोशन होने की संभावनाएं आपकी बहुत अच्छी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में, शनिदेव 10th हाउस में। लेकिन इससे बड़ी बात, जब शनिदेव आपके 11th हाउस में चले जाएंगे 29 अप्रैल से लेकर 13 जुलाई तक, तो जो मेष राशि वाले व्यक्ति आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशानी में थे, या फिर उनके पास नौकरी नहीं थी, नौकरी सर्च कर रहे थे, पैसों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं 29 अप्रैल से लेकर 13 जुलाई के बीच में नौकरी मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक नौकरी आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। वहीं अगर मेष राशि वाले व्यक्ति कुछ टेक्निकल फील्ड में है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ मेष राशि वाले व्यक्ति टेक्निकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, मैनेजमेंट फील्ड में है, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, तो इन सारे कामों में आपको फायदा देखने को मिलेगा अप्रैल से लगाकर सितंबर के बीच में। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये तीन महीने ऐसे होंगे जहां पर आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करके चलना होगा। वैसे तो इस तीन महीने में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखा जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि शुक्रदेव आपके छठे घर में गोचर कर रहे होंगे,
यानी कि सितंबर और अक्टूबर का महीना ऐसा है जहां पर आपको थोड़ा बहुत ऋण लेना पड़ सकता है किसी भी चीजों को लेकर, चाहे वो कोई भी चीज हो, कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर के महीने में आप ऋण ले सकते हैं या फिर किसी को कुछ पैसे उधार आप दे सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत वहां पर ध्यान रखना, अपनी कुंडली का विश्लेषण आप जरूर कर पाना। और वहीं दोस्तों 12 अप्रैल को राहुदेव आपके सेकेंड हाउस से निकल जाएंगे। तो क्या हो रहा था आपके साथ में 2021 से 2022 बेहतर क्यों है? क्योंकि 2021 में राहुदेव आपके सेकेंड हाउस में थे, सेविंग्स नहीं हो रहे होने दे रहे थे, सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, जितनी सेविंग्स हो रही थी उतना खर्चे भी हो रहे थे आपके, जितनी सेविंग्स हो रही थी उतने खर्चे भी हो रहे थे आपके, क्योंकि राहुदेव सेकेंड हाउस में थे। कहीं ना कहीं पैसा आ तो रहा था लेकिन एकदम से जा रहा था, तो ये परेशानियां थोड़ी बहुत बनी हुई थी। लेकिन अप्रैल के बाद से सेविंग्स अच्छी होने लग जाएंगी, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आप। अप्रैल से लगाकर सितंबर के बीच में आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 2022 आर्थिक स्थिति को मजबूत दिखा रहा है। अब आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होती है? जब हमारा कार्य क्षेत्र अच्छा चलता है, जब हमारा व्यापार अच्छा चलता है, जब हमारी जॉब हमारा काम अच्छा चलता है। तो यानी कि करियर भी देखना पड़ेगा, तो करियर देखकर ही मैंने आपको बताया है, क्योंकि 10th हाउस के मालिक शनिदेव है और भाग्य स्थान के मालिक है देवगुरु। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है तो वहां पर भी फायदा मिलेगा और वहां पर भी जॉब प्रमोशन होने की संभावना है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलने की संभावनाओं के साथ साथ फॉरेन जाने की संभावनाएं भी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपकी। और अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं खुद का, आपको कहना चाहता हूं कि 2022-2021 से काफी अच्छा रहेगा आपके। वहीं अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखा जा सकता है, बहुत ज्यादा विश्वास करके पार्टनरशिप पे आपको नहीं चलना है। अभी मैं आपको बताता हूं क्या अचूक उपाय आपको करने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत बनाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों आपके सेकेंड हाउस के मालिक है शुक्रदेव, तो शुक्र के मंत्रों का जाप आप जरूर करें। शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः 108 बार किसी भी समय पे। दूसरा आपको दोस्तों आपके 11th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव, तो शनिवार को शनिदेव की पूजा अवश्य करें, या तो शनि चालीसा का पाठ करें, या रोजाना शनि के बीज मंत्रों का उच्चारण करें, और रोजाना हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, क्योंकि राशि के मालिक बनते हैं मंगल। जितने वो मजबूत रहेंगे उतना ही आपको मजबूत वो बनाएंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि के बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।